जहाज पे बिठाया है, जिस तालिबान को आप गालियां देती हैं वो आपके लोगों को सर एस्कॉर्ट करके दिक्कत क्या है बिठाते हैं ना, जहाज में, और दिक्कत क्या आप है, टीटीपी को दिक्कत फंडिंग क्या है करते ना सर, हैं। आप अपना आपने वो सिग्नल तो अच्छा ठीक काम नहीं कर भी किया है पाते, अफगानिस्तान आपकी में आवाज ठीक से जिसको आप आती नहीं है, दुनिया को कट बता कट के सके, आती है। तालिबान से आप मदद मिस्टर मांगती हैं चीमा, और तालिबान को मिस्टर आप गालियां चीमा, देती हैं। मैडम थोड़ा कोई बूस्टर वूस्टर कहीं लगाइए, आपका सिग्नल तो ठीक होता नहीं सर। आप क्या पाकिस्तान की हालत ठीक जी करेंगे जी या फिर बोले उस पर चर्चा करेंगे? मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ। उमर अल्ताफ साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन उससे पहले गौरव भाटिया, संजीदगी से अगर इस पूरे विषय को हम देखें तो इससे कड़े शब्दों में पाकिस्तान को नहीं बताया जा सकता है कि हिंदुस्तान देख रहा है ये जो गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, न सिर्फ पाकिस्तान को पूरे विश्व को एक कड़ा संदेश जी, हिंदुस्तान ने दिया आपने है। अंजना जी, देखिए ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है और आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत एक प्रधानमंत्री है। और आज भारत ने एक बड़ा संदेश पूरे विश्व में दिया है कि अगर कोई आतंकवादी देश है जो सोचता है अपनी ताकत से वहां के लोगों को दबा के उनके जो मानव अधिकार है उनका हनन करके सत्ता में आ सकता है, तो ये कुछ ही समय की बात होती है, क्योंकि लोग जो हैं वहां के खुद जागृत हो जाते हैं। और भारत की जहां तक बात है, हमेशा आतंकवाद के मुद्दे में यूनाइटेड नेशंस में भी हमने देखा किस तरह से मजबूती से हमने अपनी बात रखी। लेकिन अंजना जी, आपने क्योंकि सूरत की बात करी, आईना ये क्या देखेंगे, इनकी सूरत बची कहाँ है? 1921